Hello, good evening students. Today we are continuing the topic friction. Friction बच्चों अभी हम लोग ने थोड़ा introduction लिया था last class में. तो friction क्या है बच्चों? एक force है, a force which opposes relative motion. ये relative motion को oppose करता है और it also opposes the tendency of relative motion. Object rest पर है, चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो भी friction काम करता है, और ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो भी ये काम करता है. दोनों के अभी हम लोगों ने एग्जांपल्स दिए थे. अगर कोई ऑब्जेक्ट को अगर आप रोल कराएं, किसी फुटबॉल को रोल कराएं, तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके रुक जाता है. तो ये तो एग्जांपल हो गया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड द फ्रिक्शन इज स्टॉपिंग द ऑब्जेक्ट. फिर दूसरा एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने ये दिया था कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप चलाने की कोशिश करो, सम मिनिमम अमाउंट ऑफ एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसका मोशन स्टार्ट करने में सपोज 50 न्यूटन ऑफ effort is required. 50 newton is the force, the minimum force at which the motion starts. तो अब हम लोग इसमें क्या बोलेंगे, अगर आप इसमें 5 newton लगाओगे तो ये object move नहीं करेगा. ये object move क्यों नहीं करेगा, reason क्या है? क्योंकि इस object को चलाने में minimum amount of effort required, the minimum amount of effort required will be 50 न्यूटन. इस ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एफर्ट इज 50 न्यूटन. देयरफॉर फॉर 5 न्यूटन द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव. ऑब्जेक्ट अगर नहीं चल रहा है, इसका मतलब क्या है, यहां पर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया. तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 5 न्यूटन आएगा. तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है बच्चों, रेस्ट पर है तो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा है. तो अब हम लोग इसमें ये बोलते हैं, ये पता चल गया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजेस रिलेटिव मोशन और द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन ऑब्जेक्ट. अब इसके बाद अभी हम लोगों ने ये बोला था कि जैसे जैसे आप अप्लाइड एफर्ट इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे अप्लाइड एफर्ट इंक्रीज करोगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है बच्चों, एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है ना. तो जो पॉइंट्स अभी हमने आपको बताए थे, क्या सबसे पहली तो चीज ये कि फ्रिक्शन इट अपोजेस रिलेटिव मोशन और द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन. टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन एक चीज ये बताई थी. फिर उसके बाद अभी हम लोगों ने क्या बताया, इट एक्ट्स अलोंग द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट. इट एक्ट्स अलोंग द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है. इसमें सिंपल सी चीज अभी हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है. और फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया, देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी जीरो. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बच्चों, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अभी हम लोग FS लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ना. तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बच्चों जीरो आएगा. मतलब क्या है, अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, तो क्या होगा बच्चों, इसके ऊपर सिर्फ एक नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा और दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में MG काम करेगा. सो वी से दैट FS विल बी इक्वल टू जीरो. तो बच्चों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कब काम करता है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आंसर इसका यह है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तब काम करता है जब आप इसको चलाने की कोशिश करो. तो अगर आपने 10 न्यूटन लगाया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा, है ना. तो अब हम लोग इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, इफ द अप्लाइड एफर्ट इज इंक्रीज्ड, इफ द अप्लाइड एफर्ट इज इंक्रीज्ड देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, है ना. और इसमें एट अ सर्टेन स्टेज, हम लोगों ने जो एग्जाम्पल लिया वो 50 न्यूटन, एट अ सर्टेन स्टेज जैसे जैसे आप अप्लाइड एफर्ट बढ़ाओगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा. और एक स्टेज पर जब ये अप्लाइड एफर्ट 50 न्यूटन हो जाएगा, द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन, द ऑब्जेक्ट मूव्स, ऑब्जेक्ट जो है चलना शुरू करेगा. तो जब तक ये चलता नहीं है, एंड टिल द स्टेज
जस्ट बिफोर द मोशन, जस्ट बिफोर द मोशन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको अभी हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। मतलब आप ऑब्जेक्ट को चलाने की कोशिश कर रहे हो, ऑब्जेक्ट को चलाने की कोशिश करोगे तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। आपने पुश किया लेकिन ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि जितना आपने फोर्स लगाया, जितना आपने फोर्स लगाया उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, इसके अलोंग जनरेट हो गया, है ना। तो अभी हम लोग ये बोलेंगे अगर ये 15 न्यूटन लगाया तो ये 15 न्यूटन आ गया, अगर आपने 25 न्यूटन लगाया तो ये 25 न्यूटन आ गया, अगर आपने ये 35 न्यूटन लगाया तो ये 35 न्यूटन आ गया, है ना। तो ये बढ़ता जाएगा बच्चों, कब तक बढ़ता जाएगा? 50 न्यूटन तक बढ़ेगा। 50 न्यूटन तक कैसे बढ़ेगा? क्योंकि 50 न्यूटन के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट अपना मोशन स्टार्ट कर देगा। ये अभी हम लोगों ने आज की एग्जांपल में डिस्कस किया। सो जस्ट बिफोर द मोशन स्टार्ट्स वी से दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हिच इज एक्टिंग, जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर, नाम ही है इसका क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स व्हेन वी आर ट्राइंग टू मूव द ऑब्जेक्ट। सिंपल चीज, व्हेन वी आर ट्राइंग टू मूव द ऑब्जेक्ट बट द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव। तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स when we try to move the object, when we try to move the object but the object is at rest। object कैसा बच्चों? rest पर। फिर इसके बाद क्या होगा बच्चों? ये जो maximum force of friction जो काम करता है उसको अभी हम लोग force of limiting friction बोलते हैं। और जब ऑब्जेक्ट चलने लगता है तो भी मोशन अपोज तो हो रहा है, लेकिन उस स्टेज पर जब ऑब्जेक्ट मोशन में है, देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, देन द फोर्स विच अपोजेस द मोशन विल बी टर्म्ड एज फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब हम लोग इसमें क्या बोलेंगे, द मैक्सिमम फोर्स of static friction, the maximum force of static friction is called force of limiting friction, force of limiting friction। बच्चों अच्छे समझना, जो maximum force of static friction है उसको force of limiting friction बोलते हैं। तो अभी हमने बोला 5 न्यूटन लगाओ, नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि force of friction 5 आ गया, क्यों? क्योंकि नेट फोर्स जीरो आना चाहिए, ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा है। आप 10 न्यूटन लगाओगे तो भी ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि अभी हमने जो एग्जांपल लिया है, ये ऑब्जेक्ट कब चलना शुरू करेगा? 15 न्यूटन पे। 15 न्यूटन लगाओगे तो भी ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा, बिकॉज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 15 न्यूटन। तो अब हम लोगों को यह पता चला कि जैसे जैसे आप अप्लाइड एफर्ट बढ़ाओगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा, है ना। और 35 न्यूटन लगाओगे तो भी नहीं मूव करेगा, क्यों? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में 35 न्यूटन आ गया। 40 न्यूटन लगाओगे तो भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में 35 न्यूटन। 45 न्यूटन लगाओगे तो भी बच्चों ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। अगर आपने ये 45 न्यूटन लगाया, है ना, तो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बच्चों 45 आ गया। अब इसमें हम लोग ये नोटेशन यूज कर दे रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा किसके बराबर आएगा? अप्लाइड एफर्ट के। जितना आप एफर्ट लगाओगे उसको कैंसिल कर देगा, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। अब इसके बाद बच्चों ध्यान से सुनना, अगर आप 49 न्यूटन लगाओगे तो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा। ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा? रेस्ट पर, क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने बोला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 49 आ गया। अब क्या होगा? अब इसके बाद आप और इंक्रीज करो। कहां तक इंक्रीज कर सकते बच्चों? आप इसको 49.9 न्यूटन लगा दो, है ना। नंबर्स बच्चों सिर्फ समझने के लिए, आपके दिमाग में सब कुछ सेट हो जाएगा। आपने 49.9 लगाया तो भी नहीं चला, क्यों? क्योंकि कितने पर चलने वाला है? ये 50 न्यूटन पर चलने वाला है। जस्ट एज एन एग्जांपल वी हैव अज्यूम दिस फैक्ट, है ना। तो 49.9 न्यूटन अगर लगाया तो इसने अपोज किया, कितना फोर्स लगा दिया? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
एफ एस की वैल्यू 49.9 न्यूटन, है ना। आप ये एफर्ट बढ़ाते जा रहे हो, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ता जा रहा है, और फिर इसके बढ़ने की लिमिट आ गई 49.9। इसके बाद वो बोलेगा कि अब नहीं बढ़ सकते, अब आप 50 लगाओगे, इसके बढ़ने की लिमिट खत्म हो चुकी। इसकी लिमिट कितनी? 49.9। अब जैसे ही आप 50 लगाओगे, जैसे ही आपने ये 50 लगाया, तो क्या होगा? द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स। क्यों? क्योंकि अब जो अपोजिंग फोर्स था वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे आ चुका है ना। तो अब इसमें एक बात अच्छे से समझना, अगर अप्लाइड एफर्ट अगर ये मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कम है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना बच्चों? 49.9, और आपने 45 न्यूटन लगाया, 25 न्यूटन लगाया, 35 न्यूटन लगाया, तो जितना आप एफर्ट लगाओगे उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा, है ना। अगर आप 2 न्यूटन लगाओगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना आएगा? 2 न्यूटन। तो अब हम लोग क्या बोलते हैं, ये सुनना, अब ये इंपॉर्टेंट फैक्टर बच्चों, इफ द अप्लाइड एफर्ट इज स्मॉलर देन द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं इसको, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। कंडीशन समझना बच्चों, अप्लाइड फोर्स कितना है? अप्लाइड फोर्स आपका मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कम है। इस मैक्सिमम फोर्स को एफ एस मैक्स लिख दे रहे हैं, इस मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को अभी हम लोग एफ एस मैक्सिमम लिख दे रहे हैं, एफ एस मैक्स, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लेकिन मैक्सिमम। तो अगर अप्लाइड एफर्ट बच्चों ये अगर 49.9 से कम है, मतलब आपने 2 न्यूटन लगाया, तो ये 2 न्यूटन जो है मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से तो कम है, तो जितना आप लगाओगे उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा। तो अब इसमें क्या लिखा है, इफ द अप्लाइड एफर्ट इज स्मॉलर देन एफ एस मैक्स, अगर अप्लाइड एफर्ट एफ एस मैक्स से कम है, देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू अप्लाइड एफर्ट, मतलब जितना आप एफर्ट लगाओगे उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा। सिंपल। अब इसके बाद इफ अप्लाइड एफर्ट इज ग्रेटर देन, अच्छे सुनना बच्चों, इफ अप्लाइड एफर्ट इज ग्रेटर देन एफ एस मैक्स, अप्लाइड एफर्ट मान लीजिए 50 हो गया और मैक्सिमम फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन 49.9 है हमारे एग्जाम्पल में, ये नंबर्स नोट नहीं करना बच्चों, ना कहीं लिखना। अप्लाइड एफर्ट अगर ज्यादा हो गया, 50 लगा दिया और अपोजिंग फोर्स 49.9, तो क्या होगा? द ऑब्जेक्ट मूव्स, और ऑब्जेक्ट अगर मूव कर जाएगा बच्चों, तो क्या होगा? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच एक्ट्स when one object slides over the other, when one object slides over the other, is called force of kinetic friction. और ये फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बच्चों हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन या एफ एस मैक्स से कम रहता है।
इसका एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बच्चों सभी लोगों ने देखा होगा, इफ यू आर ट्राइंग टू स्टार्ट अ व्हीकल हुज बैटरी इज नॉट वर्किंग देन व्हाट यू डू, जनरली यू पुश, है ना। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव द एक्सपीरियंस ऑफ पुशिंग द स्कूल बसेस। तो अभी आप देखना, सपोज टू स्टार्ट द रोलिंग मोशन ऑफ द बस, बिकॉज टू स्टार्ट द इंजन सम रोलिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द बस। सपोज 10 और 12 स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रोलिंग मोशन ऑफ द बस। तीन चार लोग लगेंगे तो हो सकता है रोलिंग मोशन स्टार्ट नहीं हो। सपोज 10 टू 12 स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रोलिंग मोशन ऑफ द बस, मतलब पांच लोग लगेंगे तो नहीं स्टार्ट होगा, फिर वो बोलेंगे कि और लोग आ जाओ, टू एंड थ्री मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन एंड स्टार्ट पुशिंग द बस। फिर उसके बाद स्टिल टू और थ्री मोर स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड। सो सपोज 12 स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रोलिंग मोशन ऑफ द बस, एंड वंस द मोशन स्टार्ट्स यू विल सी, दिस इज अ वेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन, 4 or 5 स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट फ्रॉम दिस एफर्ट, है ना, चार पांच लोग पीछे छूट जाएंगे, फिर भी वो 6-7 लोग मोशन कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो चार पांच लोगों के हटने की वजह से कुछ हो गया। तो ये अभी हम लोग कहते हैं जब तक वो रेस्ट पर था तो फ्रिक्शन ज्यादा रहता है, एंड वंस द मोशन स्टार्ट्स द फ्रिक्शन डिक्रीजेस। तो फ्रिक्शन बच्चों स्टैटिक कंडीशन में ज्यादा होता है और रोलिंग कंडीशन में बच्चों ये कम होता है, तो ये चीज याद रखना। अब इसमें ये मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने एक रिलेशन बताया था। क्या रिलेशन बताया था? दिस एफ एस मैक्स इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू एन। एफ एस मैक्स जो है बच्चों दिस इज प्रोपोर्शनल टू एन, और इसमें एफ एस मैक्स विल बी इक्वल टू म्यू एस इनटू एन। और बच्चों ये याद रखना कि ये मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ये क्या है? मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसको अभी हम एक एग्जांपल की मदद से क्लियर करेंगे, है ना। अब इसमें देखना, सपोज फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग एन ऑब्जेक्ट ये सब रफ कर देना बच्चों, ध्यान से सारी चीजें नोट कर लेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको आज डिस्कस किए हैं। सपोज यू आर हैविंग अ 10 kg ऑब्जेक्ट, 10 kg ऑब्जेक्ट, है ना। अब इसमें सपोज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट, अच्छा इसमें एक चीज और बता दें, एफ एस मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू एन है और एफ एस मैक्स विल बी इक्वल टू म्यू एस इनटू एन। म्यू एस जो है बच्चों दिस इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको भी हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। उस पर अभी हम आएंगे बच्चों, ये चीज अभी हमें एक्सप्लेन करनी है, कुछ कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम की मदद से भी देंगे। म्यू एस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड इट डिपेंड्स ऑन The nature of surfaces in contact. तो बच्चों अभी हम लोग ये कहते हैं कि अगर स्मूथ सर्फेस है, फॉर स्मूथ सर्फेसिस म्यूएस विल बी स्मॉल। ऐसा सिंपल सी एक चीज, फॉर स्मूथ सर्फेसिस म्यूएस स्मॉल है, और फॉर रफ सर्फेसिस μs जो है दैट इज लार्ज। इसके बारे में भी हम लोग और आगे भी डिस्कस करेंगे। एंड वंस द मोशन स्टार्ट्स, एक बार मोशन स्टार्ट हो जाएगा बच्चों तो क्या होगा? तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहेगा दैट विल बी टर्म्ड एज फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये Fk जो है बच्चों ये भी प्रोपोर्शनल टू n होता है, और इसमें Fk will be equal to mu k into n. Force of kinetic friction will be equal to mu k into n. अब इसमें Fk बच्चों निकालने के लिए mu k का यूज किया, तो mu k is called the coefficient of
काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक मतलब अभी हम कहते हैं समथिंग रिलेटेड टू मूवमेंट है ना, तो अब इसको देखकर अभी हम लोग ये कह सकते हैं देखो दोनों में ही मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मोर मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये जो है एफ एस मैक्स प्रोपोर्शनल टू एन है, इसमें भी एफ के प्रोपोर्शनल टू एन है, यहां पर म्यू एस आ गया, यहां पर म्यू के आ गया है ना, और इसमें अभी हम लोग ये कहते हैं कि एफ के जो है बच्चों दिस इज ऑलवेज स्मॉलर देन एफ एस मैक्स। एफ के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, एफ के की वैल्यू म्यू के इंटू एन, दिस विल बी स्मॉलर देन म्यू एस इंटू एन, देयरफॉर म्यू के विल बी स्मॉलर देन म्यू एस, म्यू के स्मॉलर देन म्यू एस आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें अभी हम आपको एक एग्जाम्पल की मदद से क्लियर करेंगे। सपोज वी आर हैविंग अ 10 kg ब्लॉक, आपको ये 10 kg ब्लॉक है और इसमें अभी जो आप एफर्ट लगा रहे हो, इसको ड्रॉप कर देंगे, सपोज दिस इज अ 10 kg ब्लॉक एंड ऑन दिस यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 25 newton, सपोज आपने 25 newton का आपने एक फोर्स अप्लाई किया, अब इसमें विल द ऑब्जेक्ट मूव और नॉट, ये अभी हम लोग बताना है, तो इसमें अभी हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, the coefficient of static friction, the coefficient of mu s 0.2 ले, ठीक है, और mu k सपोज 0.15, mu k की वैल्यू हमेशा कम रहेगी। अब इसमें हमें ये एनालाइज करना है whether this object will move, if it moves then find the acceleration, और अगर नहीं मूव कर रहा है देन फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अब देखो बच्चों इसमें करेंगे क्या, आपके पास ये 10 kg का ऑब्जेक्ट है तो इसके ऊपर फोर्सेस क्या काम करेंगे, नीचे की तरफ mg काम करेगा, नीचे की तरफ mg काम करेगा और ऊपर की तरफ ये सरफेस जो है एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। बहुत सारे लोगों को यह भी एक मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि एन हमेशा एमजी के बराबर होता है, एन हमेशा एमजी के बराबर नहीं होता, ये याद रखना। सपोज एन इसमें अभी हम लोग बोला इसमें ये एन है, नीचे की तरफ एमजी है, आपने ये 25 newton लगाया, अब इसमें क्या बोलेंगे, एन जो है इस केस में किसके बराबर आएगा, एमजी के बराबर, इस केस में तो आ रहा है एन इज इक्वल टू एमजी, बट इन एवरी केस इट इज नॉट नेसेसरी दैट एन इज इक्वल टू एमजी, है ना, इसके भी एग्जांपल्स अभी हम आपको देंगे, बहुत कुछ है बेटा बताने को, जो जो जैसे जैसे धीरे धीरे चैप्टर आगे बढ़ेगा अभी हम लोग बताते चलेंगे। अब इसमें देखो एफ एस मैक्स ये मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बच्चों, ये कितना आता है म्यू इंटू एन, अब इसमें म्यू एस इंटू एन आएगा, म्यू एस कितना बच्चों 0.2, एन कितना है एमजी, तो एम कितना है 10 है और जी की वैल्यू 10 है तो कितना आ जाएगा 100, तो 0.2 × 100 यानी कितना आ जाएगा 20 newton। तो बच्चों मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो इसमें काम कर सकता है वो कितना है 20 newton, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना काम कर सकता है बच्चों 20 newton काम कर सकता है ना। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, क्या ये ऑब्जेक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, ये पता चलना चाहिए। अब हम लोगों को यह मालूम है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है 25 newton और इन दोनों सर्फेसिस के बीच में जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है वो कितना है, वो कितना काम कर रहा है बच्चों 0.2 × 100 यानी 20 newton। अब ये 20 newton जो है ये कम है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है और जो अप्लाइड फोर्स है वो ज्यादा है, तो क्या होगा, द ऑब्जेक्ट विल मूव, ऑब्जेक्ट मूव्स।
और इसमें अगर आपको इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना, तो बच्चों कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये कैलकुलेट करने के लिए नेट फोर्स निकाल लो, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट? द अप्लाइड फोर्स माइनस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन अब कौन सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करेगा? तो इसमें अभी हम लोग बोलेंगे सिंस द ऑब्जेक्ट मूव्स देयरफॉर वी से द ऑब्जेक्ट मूव्स देयरफॉर एफ के एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। कौन सा फोर्स काम करेगा बच्चों? एफ के काम करेगा। एफ के कब काम करेगा? जब ऑब्जेक्ट चलेगा। ऑब्जेक्ट कब चलेगा? जब अप्लाइड फोर्स एफ एस मैक्स से ज्यादा है। तो ये याद रखना, इफ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन एफ एस मैक्स देन द ऑब्जेक्ट मूव्स, ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। और ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा तो इस एफ एस का कोई काम नहीं है, एस जो वर्ड है या एस जो अल्फाबेट है, अब इसका कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है। ये सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए रहेगा कि ऑब्जेक्ट चलेगा कि रुकेगा। और एक बार डिसाइड हो गया कि ऑब्जेक्ट चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि अप्लाइड फोर्स जो है एफ एस मैक्स से ज्यादा है, इसलिए ऑब्जेक्ट चलेगा। अब ऑब्जेक्ट जब चलने लगेगा तो आपको फिर इसका कोई यूज नहीं, इसका कोई यूज नहीं। अब क्या करेंगे बच्चों? अब हम लोग एफ के निकालेंगे। एफ के कितना आ जाएगा बच्चों? म्यू के इंटू एन। और म्यू के कितना है बच्चों? म्यू के 0.15 है, ठीक। अब इसके बाद एन कितना है? एन कहां गया? ये 15 न्यूटन। मतलब क्या है बच्चों? इसमें 25 न्यूटन लगाया और एफ के बच्चों कितना आ गया? 15 न्यूटन आ गया। तो नेट फोर्स कितना आ गया? नेट फोर्स 25 माइनस 15 आ गया, और 25 माइनस 15 यानी 10। और एक्सेलेरेशन कैसे मिलेगा? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। नेट फोर्स कितना बच्चों? 10 है। मास कितना है? 10। तो ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलेरेशन आ गया। अब देखो एक क्वेश्चन और ले ले रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स बच्चों आपको प्रॉब्लम्स की मदद से ही क्लियर होंगे, है ना? तो अब इसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहे हैं, फिगर्स थोड़े से चेंज कर देंगे, नंबर्स। सपोज ये 15 केजी ऑब्जेक्ट है और यहां पर म्यू एस की वैल्यू, म्यू एस की वैल्यू 0.4 है। म्यू एस की वैल्यू बच्चों कितनी है? 0.4, है ना? सपोज ये 30 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, 30, ठीक है, एक मिनट, ठीक बच्चों ये देख रहे थे जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे नंबर्स आएंगे, कुछ गड़बड़ तो नहीं? चलो हमने चेक कर लिया। अब इसमें इसमें अभी हम लोग क्या बोलेंगे? फाइंड म्यू एस 0.4 है, म्यू के 0.2 है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिख दें। एक्सेलरेशन अगर पूछा है तो सबसे पहले तो ये देखना है ये ऑब्जेक्ट चल रहा है क्या, है ना? तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन रादर एफ एस मैक्स निकाल लो। और अगर ये अप्लाइड एफर्ट बच्चों, इफ अप्लाइड एफर्ट, ये हम हर जगह लिख रहे हैं, इफ अप्लाइड एफर्ट इज ग्रेटर देन, ये अप्लाइड एफर्ट ग्रेटर देन एफ एस मैक्स अगर है, देन ऑब्जेक्ट मूव्स,
ऑब्जेक्ट कब चलेगा? जब ये वाला फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा हो, तभी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। हम चला रहे हैं ऑब्जेक्ट को और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको चलने नहीं दे रहा। देखते हैं, चेक करते हैं एफ एस मैक्स कैसे मिलेगा। म्यू एस इनटू एन। अब एन कैसे मिलेगा बच्चों? एन कैसे मिलेगा? इसमें ये 15 है, ठीक। अब इसमें क्या करें, नीचे की तरफ एम जी आएगा, ऊपर की तरफ एन आएगा, है ना। एन किसके बराबर आ गया? एम जी के बराबर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसमें क्या करें, म्यू एस की वैल्यू रख लो, म्यू एस की वैल्यू कितनी है बच्चों? म्यू एस की वैल्यू 0.4 है। म्यू एस की वैल्यू कितनी है? 0.4। एन कितना है? एम जी है। एम कितना है? एम 15 है। जी की वैल्यू 10 है ना। एम बच्चों 15 और जी की वैल्यू 10, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 4 × 15 यानी 60 न्यूटन। तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बच्चों, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 60 न्यूटन आ गया, एफ एस मैक्स। अब एफ एक्स मैक्स 60 है, अप्लाइड एफर्ट कितना? 30। ये एफ एस मैक्स है, मतलब ये दोनों सर्फेसिस के बीच में जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगने वाला है वो कितना है? 60 न्यूटन है। मतलब अगर आप 20 न्यूटन लगाओगे तो ऑब्जेक्ट चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अगर 10 लगाओगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 10 आ जाएगा, है ना। लेकिन अभी आपने कितना अप्लाई किया है? 30 न्यूटन। देयरफॉर अब हम लोग इसमें कैसा लिखेंगे? सिंस द अप्लाइड एफर्ट इज स्मॉलर देन एफ एस मैक्स। ऊपर वाली कंडीशन पढ़ना बच्चों, इफ अप्लाइड एफर्ट इज स्मॉलर देन एफ एस मैक्स देन द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव। ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, इसका मतलब क्या है? एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ये बहुत सिंपल है, ये याद रखना, ये रूल है बच्चों। If object is at rest, then applied effort will be equal to force of friction. और applied effort कितना बच्चों? 30 न्यूटन। 30 न्यूटन लगाओगे तो force of friction भी 30 आ जाएगा। तो ये बच्चों जो 60 न्यूटन निकाला है वो क्या है? तो ये 60 न्यूटन बच्चों, ये मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। दिस इज व्हाट द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इसका मतलब क्या है? इसमें एक्सेलेरेशन की बात थी तो एक्सेलेरेट करेगा ही नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं मूव करेगा? क्योंकि ये जो अप्लाइड एफर्ट है वो ज्यादा रहना चाहिए एफ एस मैक्स से, लेकिन ये एफ एस मैक्स जो आया है वो 60 आया है। तो अप्लाइड एफर्ट इज स्मॉलर देन, applied effort is smaller than the maximum force of friction or force of limiting friction. तो जितना आप लगाओगे, ये अभी हमने बोला, ये अभी आप लाइन याद रखना, if an object is at rest, then applied effort will be equal to what? The force of friction. चलो तो बच्चों अब आज के लिए इतना ही, we will continue with some more concepts and numericals on the next one. That's all for today.